না বলুন বলুন না বলুন 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 पुलिस की गिरफ्त के बीच भारत माता की जय के नारे लगाती ये पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी है। कोलकाता पुलिस ने कल पामेला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया तो हंगामे की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी एक्टिव है। यही वजह है कि कोकीन के साथ उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें तैरने लगी। देखते ही देखते इस गिरफ्तारी पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया और बीजेपी के नेता इसे साजिश बताते हुए ममता सरकार पर हमलावर हुए। पश्चिम बंगाल में ओपनली वो लोग बोलते हैं हम लोग गाजा केस में घुसा देंगे, तो हम लोग वही बात है जिसका पीछे कुछ ना कुछ तो है, त्रिमूल सरकार का कुछ तो जोक साजिश है, तो हम लोग इसका ऊपर एडवोकेट देख रहे हैं। हमारा लीडर दिलीप घोष इसका ऊपर नजर रख रहा है। हम लोग लॉ का ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं और तृणमूल कांग्रेस हर टाइम घाटिया काम करते हैं। हम लोग लग रहे हैं ये जोक साजिश की बात है, पश्चिम बंगाल को युवा मोर्चा को बदनाम करने के लिए एक जोक साजिश का। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बीच ड्रग्स कनेक्शन केस में जब कोर्ट में पामेला पेश हुई तो उनके बयान ने मामले को नया ही मोड़ दे दिया। पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के ही एक नेता राकेश सिंह पर साजिश का आरोप लगा दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि आखिर पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेता पर साजिश का आरोप क्यों लगाया। पामेला के इन आरोपों से बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ा और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है, तो ये क्यों लगाया है हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोर्ट में पामेला के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से जब पामेला के आरोपों पर सवाल हुआ तो उन्होंने जांच में सच सामने आने की बात कही। Our state president Dilip Da will comment on this issue. Like I said, the law of the land applies to everybody equally. Thank you. You don't see a political conspiracy? Do you see a political conspiracy? Well, investigation will reveal everything. Our state president Dilip Da is more aware of the matters of this particular case. He is better equipped to inform and comment on this. इस बीच पामेला गोस्वामी के परिवार वाले भी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। पामेला की मां का कहना है कि बेटी को झूठी साजिश के तहत फंसाया गया है। जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बेटी के खिलाफ जो एलिगेशंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उधर कोकीन केस में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की गिरफ्तारी पर जारी राजनीति पर टीएमसी नेता बेहद सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। I will not be able to comment on this because police is investigating. I believe the law should be everybody's law. So, though everything will be found out by the police, when they comment, then we can. पुलिस ने कल कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे के सामने से पामेला और उनके साथी को गिरफ्तार किया था। पामेला के पास से पुलिस को 100 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, इसलिए गिरफ्तारी होते ही इस पर सियासत भी जारी है।
अब पामेला गोस्वामी के आरोपों की जांच के बाद ही इस साजिश का सच सामने आ सकेगा। पॉलमी साह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।